नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल पूर्व विधायक ने किया ताप्ती नदी में पिता का अस्थि विसर्जन एवं तर्पण। गायत्री मंदिर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न। किसान संघर्ष समिति प्रभातपट्टन ब्लॉक के अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम द्वारा 28 अप्रैल को मुलताई पहुंचकर सुबह ताप्ती घाट मुलतापी में अपने पिता स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद मिश्र की अस्थि विसर्जन और तर्पण किया। तत्पश्चात गायत्री मंदिर में किसान संघर्ष समिति और समाजवादी पार्टी के साथियों ने मिलकर श्रद्धांजलि सभा की। श्रद्धांजलि देने प्रमुख रूप से किसान संघर्ष समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव, बैतूल बाजार से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राधिका वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पनवार, सामाजिक कार्यकर्ता सुखदर्शन सिंह धनजल, बंटी सरदार, बैतूल बाजार से शिवचरण माकुरे, छोटेलाल माहुरे, मनोज वर्मा, एडवोकेट विनोद सिंह रघुवंशी, परमंडल की उप सरपंच श्रीमती गीता हारोरे, ताराबाई रामरती बाई पवारे, सिवनी से किशन जिलाध्यक्ष राम कुमार सनोडिया, बैतूल से अनिरुद्ध गुरुजी, सपा जिलाध्यक्ष कृपाल सिंह सिसोदिया, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सोनी, भाजपा नेता नरेंद्र गिरी, पत्रकार चिंटू खन्ना, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के महेंद्र नायक, अखिल भारतीय किसान सभा के पिरदी बारपेटे, मातोश्री वृद्धाश्रम के संचालक मनोज विष्ट एवं मालती बसोना, साहिबलाल महाजन, शिशराव सूर्यवंशी, किसन्स जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण बोरबन, परमंडल के पूर्व सरपंच देवीराम चौरे, सांडिया के पूर्व सरपंच कृष्ण ठाकरे, रामदयाल चौरे, रघु कोल्ले, सीताराम नरवरे, अजाबराव बनखेड़े, दखरू महाजन, बी आर घोर से सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेम सिंह चौहान छिंदवाड़ा से श्रीकांत वैष्णव, बिनोदी महाजन, लल्लू पनवार, शिवलू पटेल, अर्जुन हारोरे, सुरेश हारोरे, देवीदास नरवरे, करमचंद हारोरे, नांचू अग्रवाल, मिलिंद खातरकर, सदाशिव गणेकर, मोहन सोनी, संजय बरोदे, रमेश पवार, तीरथ सिंह, मोहम्मद कयूम चौहान, अरुण सिवारे, मारुति पनवार, जियालाल परिहार, गुड्डू सूर्यवंशी, नामदेव चौरे, कृपाराम, श्री राम सूर्यवंशी, देवेंद्र देशमुख, चित्रसेन चौरे, सुनील झपाते, खेमू नरवरे, भिल्या बनखेड़े, नारायण चौरे, सावनिया पनवार, आत्माराम कड़वे, चैतराम हारोरे, भूरेंद्र माकुरे, रमेश सोनी, गुलाब देशमुख, दशरथ नरवरे, अशोक बरोदे, कैलाश डोंगरदे, नरेश मिस्त्री, हिमराज देशमुख, सुख सिंह सिसोदिया, सहदेव मंडलेकर, बलराम सूर्यवंशी, संजय बनखेड़े, भागवत परिहार एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने स्व नर्मदा प्रसाद मिश्र के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। मुलताई के नागरिकों ने उनके साथ व्यतीत किए समय को याद किया और कहा कि स्व नर्मदा प्रसाद मिश्र जी शिक्षा के लिए सदैव समर्पित रहे। बिरले इंसान होते हैं जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि पिताजी ने 1998 के बाद से जिस तरह माताजी विद्यावती मिश्र की स्मृति में मुलताई में शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में 24 छात्राओं को पुरस्कृत करते थे, उसी तरह पिताजी की स्मृति में और 24 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पापा जी के जीवन से मैंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सादगी, स्वालंबन, ईमानदारी, शिष्टाचार, अनुशासन, शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिबद्धता, समदृष्टि, कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध आदि गुणों को सीखा है। उन्हीं मूल्यों को आजीवन जीने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर सुनीलम ने बताया ग्वालियर में मॉडल फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक तौर पर पिताजी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। डॉक्टर सुनीलम ने बताया कि वे मृत्यु भोज के पक्षधर नहीं है, इस कारण 3 मई को ग्वालियर में 13वीं के अवसर पर केवल परिवारजनों द्वारा पूजा पाठ किया जाएगा। प्रभातपट्टन ब्लॉक रिपोर्टर डॉक्टर प्रभाकर वाघमारे की रिपोर्ट।